सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल मेडिकल प्रेपरेशन तो लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट किया था उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे इस पैराग्राफ से पेज नंबर 262 सिक्सटी टू तक हमारा हो गया था और यहां से हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दमक स्टोर्स द फूड फोर फॉर फोर टू फाइव आवर्स तो फूड को स्टमक चार से पांच आवर्स तक स्टोर करता है ठीक है उसके बाद फूड क्या होता है मिक्सेस थरोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड चाइन तो जो स्टमक में चार से पांच घंटे के लिए फूड स्टोर रहेगा वो थरोली उसके स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा जो कि एसिडिक होता है ठीक है तो वो कैसे मिक्स होता है मूवमेंट्स के साथ ठीक है क्योंकि उसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो चर्निंग मूवमेंट्स करती है और वो क्या बना देती है चाइन प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इन टू दी एक्टिव एंजाइम पेप्सिन जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो प्रो पेप्सिनोजन होता है वो कौन सिक्रीट करता है स्टमक स्टमक के चीफ सेल्स ठीक है स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लांस होते हैं उनके तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं तो चीफ सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं प्रो पेप्सिनोजन तो ये प्रो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सपोजर में आएगा तो वो एक्टिव बन जाएगा एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा उसका नाम क्या होगा पेप्सिन pepsin. मतलब पेप्सिनोजन पेप्सिन pepsin में कन्वर्ट हो गया ठीक है अब वो एक्टिव हो गया द दोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक तो ये कौन सा एंजाइम होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है स्टमक का पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इंटू प्रोटिओसिस एंड पेप्टोन्स तो पेप्सिन क्या करता है पेप्सिन का काम क्या है इस एक्टिव एंजाइम का ये प्रोटीन्स को प्रोटीओसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा ठीक है और ये क्या होते है पेप्टाइड्स को कहा जाता है ठीक है द म्यूकस एंड बाई कार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुप्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथीलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द दाइली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जो म्यूकस होता है बाईकार्बोनेट्स होते हैं ये दो चीज़ें ये क्या करते हैं गैस्ट्रिक जूस में इनका इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट रोल होता है ल्यूब्रिकेशन में और प्रोटेक्शन में म्यूकोजल एपिथीलियम की लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन का रोल म्यूकस और बाईकार्बोनेट्स का होगा और वो एक्सकोरिएशन से उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो वो एक्सकोरिएशन किसकी वजह से होती है वो हाईली कॉन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो एक्सकोर होनी होती है उसको कौन प्रोटेक्ट कर लेता है एचसीएल प्रोवाइड्स दी एच तो एच सी एल का एसिडिक पीएच होगा वन पॉइंट एट के अराउंड ठीक है वो पेप्स के लिए ऑप्टीमल होता है और उसके बाद एक और एंजाइम होता है प्रोटीलिटिक एंजाइम जैसे हमने एक पेप्सिन देखा ऐसे ही एक रैनन होता है प्रोटीलिटिक एंजाइम ये भी ये भी गैस्ट्रिक जूस में ही पाया जाता है बट इन्फेंट्स के इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस uh, में पाया जाता है क्योंकि uh, इसमें uh, किसकी हेल्प करनी होती है इसमें मिल्क प्रोटीन्स की डाइजेशन की इसलिए ये रेन सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेसिस आर आल्सो सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ अमाउंट्स में लाइपेसिस को भी सिक्रीट करता है तो ये आपका स्टमक वाला पोर्शन हो गया उसके बाद आ जाएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन